हे गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल रेडी टू फ्लाई में एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज अपने सामने खड़ी है द लेजेंडरी बाइक पल्सर की 220F, जिसने भाई एक तरीके से कह सकते हो कि सुपर बाइक का, या सुपर बाइक तो चलो बात की बात है, स्पोर्ट्स बाइक का अगर किसी ने क्रेज़ चालू करा है ना, तो भाई वन ऑफ द फर्स्ट बाइक जिसने भाई क्रेज़ चालू करा था। ये मार्केट में आई थी, उसके बाद भाई जाके मार्केट में नई नई चीज़ें आई, सारी चीज़ें आई। उससे पहले तो स्टंट वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें होती थी वो सारी इसी गाड़ी पर हुआ करती थी। आज के टाइम पर तो गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, पर थोड़ा एक बार हैव अ लुक, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करा रखी है। तो एक बार इसका ऑनरशिप जानेंगे कि अभी भी ना इसके लवर मैं, इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि इसके जो लवर है ना वो अभी भी मतलब मौजूद है, अभी भी चाहते हैं कि मैं इस गाड़ी की तरफ जाऊं। तो जो एक एक्सपीरियंस है वो ऑनर ही बता पाएगा कि वो काफ़ी टाइम से इसको अर्न कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो क्या अच्छाइयाँ या क्या बुराइयाँ, या जो भी कोई सेकेंड हैंड गाड़ी इसको लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उनको क्या प्रॉब्लम या क्या अच्छाइयाँ फेस करने के लिए मिलेंगी। तो यश भाई की गाड़ी है, कैसे यश भाई? बढ़िया भाई। तो यश भाई का भी अपना एक चैनल है, वो देखो इनके शूटर शूट कर रहे हैं। तो किस टाइप के व्लॉग बनाते हो भाई, पहले बता दो थोड़ा सा। भाई हम डेली व्लॉग्स बनाते हैं, इधर उधर घूमने के व्लॉग्स बनाते हैं, बस नॉर्मल। अच्छा, मतलब लाइफस्टाइल के ऊपर आप बनाते हो व्लॉग? नॉर्मल। चलो आज बात करेंगे बेसिकली अपनी बाइक के बारे में। कितना टाइम हो गया भाई आपकी बाइक को? भाई 2014 मॉडल है। और आपको चलाते हुए कितना टाइम हो गया? मुझको चलाते हुए भाई 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? हाँ भाई। तो मतलब एक अच्छी खासी, मतलब पूरी जड़ से जड़ पता होगी इस गाड़ी के बारे में कि अगर कहीं से कुछ आवाज़ आ रही है तो तुम्हें पता है कि वो कहाँ से आवाज़ आ रही है या कुछ भी प्रॉब्लम। सबसे पहले इस गाड़ी की तरफ जाने का प्लान कैसे बना आपका? भाई ये कम प्राइस में एक तो, हाँ, और स्पोर्ट्स बाइक, मतलब थोड़ा सा पावर भी है इस गाड़ी में, और पहले की है सबसे बड़ी बात, और लुक भी सही है गाड़ी का। अब बुरा लगता है कि ये डिसकंटिन्यू हो गई, अब तो आती ही नहीं। पार्ट्स में भी दिक्कत होती है, अगर कुछ टूट जाए तो फिर पार्ट्स में भी दिक्कत है, अभी तो लेने में ये दिक्कत है सबसे बड़ी दिक्कत। अच्छा अच्छा, चलो जिस समय आपने ली थी उस समय और भी बहुत सारी बाइकें थी, उस समय कुछ सोचा कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, या अभी तक मतलब ऐसा आपका वो एक्सपीरियंस रहा हो कि मैंने लेके पछतावा कर लिया, कुछ गलती? अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ 6-7 सालों में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट लोग बस एक वो बना रखा है कि हुआ, हाँ, कि इसे थीव यूज कर, ऐसा भी बना रखा है। हाँ, बहुत बना रखा भाई, अलग अलग फोटो लगा के निकाल देते कि लॉन्च होने वाली है, ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है। चलो, पार्ट्स में भी दिक्कत होती है, बजाज में जाके पूछोगे वो भी दिक्कत देते हैं, और अभी 70,000 कुछ चल चुकी है, इंजन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपने चला के देखी? हाँ भाई, बहुत रिफाइन चल रही है। एक चीज और भाई, जैसे मान लो आपने कहा 2014 मॉडल है, 2014 मॉडल है, उस समय की मतलब जो भी पल्सर की गाड़ी आती थी ना उसमें क्लच प्लेट का काम, पिस्टन का काम बहुत सारा हुआ करता था। नहीं नहीं, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक आपका नहीं हुआ 70,000 किलोमीटर के बाद? 70 के बाद। और फीडबैक कैसा निकल के आया कंपनी का, स्पेशली बजाज का? बजाज का ठीक है, बट मैंने ग्लोबल बजाज से इसकी सर्विस कराई है रेगुलर हमेशा। हाँ, तो फिर उनकी तरफ से अगर ये कहीं पे भी खराब होती है ना, तो उन्होंने मुझे बोला है कि अगर खराब होती है तो हम इसकी सर्विस वहाँ, आप गाड़ी छोड़ दीजिए, आप वापसी आ जाइए, गाड़ी हम पिकअप करेंगे, ये सब उन्होंने दे रखा है, लेकिन कंटिन्यू सर्विस वहीं से होनी चाहिए। अच्छा, ग्लोबल बजाज से? ये वरना अभी जितने भी हमने मतलब बजाज के शोरूम देखे, हमारे पास भी RS 200 कोई अच्छा खास है नहीं भाई बजाज का शोरूम। सब लोग ना काम, जैसे कोई भी आपने फ्यूल पंप की प्रॉब्लम बता दी, कुछ भी बता दी, वो ना नाटते हैं कि आप कहीं और जाके चेक करो, आपने तेल कम रखा हो गाड़ी में। दिक्कत है सर, पार्ट्स की दिक्कत है, बस पार्ट्स की। अगर पार्ट्स ना अवेलेबल हो तो फिर तो टाइम लगेगा। 70,000 किलोमीटर भाई एक अच्छा खासा समय होता है। और अभी आपने मेरे को बताया कि आप रिसेंटली एक स्पीति वैली का टूर मार गए। बस छोटी सी प्रॉब्लम आई, वो भी ऊपर से, आपको पता है वहाँ पे लैंडस्लाइड रहता है, हाँ, थोड़ा सा पत्थर लग गया, उससे लीकेज चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पूरा ओवरऑल मतलब फीडबैक कैसा रहा राइड का? राइड का भाई बेस्ट। सोचो वहाँ से घूम के विंटर में वापसी आ गए, गाड़ी ने कोई परेशानी दी हो या चालू होने में दिक्कत हो रही हो? नो, सुबह स्टार्ट रेडी हो रही थी बिल्कुल, और -18 डिग्री टेम्परेचर वहाँ बंदों की कारें खड़ी हो रखी थी, हमारी बाइक स्टार्ट हो रही थी, जबकि लिक्विड कूल भी नहीं है। चलो ये एक अच्छी बात है भाई, इसीलिए कहते हैं भाई जो पुरानी गाड़ियाँ ना उनमें अभी तक दम है। सीट कंफर्ट कैसा है? सीट कंफर्ट भी सही है, मैं पीछे एक बैग भी बांध के गया था इसमें। हाँ, हैवी बैग था क्योंकि सर्दी का सामान होगा, पूरा भर के बड़ा बैग लेके गया था। तो मतलब एक बंदा अगर इसे चलाना चाहे या राइड करना चाहे तो कंटिन्यूसली बिना स्टॉप लिए कितने किलोमीटर तक चला सकता है? 200-250 कितना? हाँ, 200 चला सकता है, बस टेम्परेचर के हिसाब से, जैसे अभी धूप गर्मी है यहाँ पे भी, तो जैसे रास्ते में वहाँ जाते समय हिमाचल के बाद तो ठंडा वेदर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट यहाँ पे तो कम ही चलेगी। टायर वगैरह की परफॉर्मेंस कैसी है? टायर तो मैंने चेंज करवा लिया पीछे वाले, क्योंकि काफी ना छोटे आते हैं, मैंने देखा था 130 आते, कितना आता था इसमें? इतना नहीं पता मुझे, लेकिन अभी आपने डलवाया ना चाहे? हाँ, ये चेंज करवाया और ये चेंज करवाया, अब इसमें डला हुआ है 120 डला हुआ है। तो ये जो टायर है, एक तो नॉन रेडियल है, लीन वगैरह करते समय कोई परेशानी वगैरह होती हो? लीन एक बार मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब से एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये बबल करता है लीन करते समय, आगे वाला टायर, हाँ, मतलब ऐसे झटका सा आ जाता है। सस्पेंशन रॉड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अलाइनमेंट में। अच्छा, अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे बोला था बजाज वालों से, तो उनने अभी इसके ऑर्डर कर रखे हैं शॉकर, तब ये जब आ जाएंगे तब अच्छा अच्छा कंप्लीट होगी।
चलो वो चीज़ एक अच्छी है। ये थीम कराने का मन में कैसा है? मैं देख रहा हूँ आपके कपड़े भी देख रहा हूँ, आपके हेलमेट्स भी देख रहा हूँ, आपकी गाड़ी भी देख रहा हूँ, पूरे आपने मतलब एकदम वो बना रखा है कॉम्बो हर चीज़ का। वो मैं एक यूट्यूबर को फॉलो करता हूँ, राजा डीसी। अच्छा, जम्मू। हाँ जम्मू। अच्छा अच्छा, बाइक भी सेम उन्होंने ऐसी करा रखी थी, RR 310। हाँ, तो मुझे ऐसी अच्छा लगता था, मैंने उन्हीं को देख के सब करा। अभी आए थे दिल्ली में, मिली नहीं मिल नहीं पाया ना, लक्ष्मी नगर में थे और मैं स्पीति में था। चलो हो जाता है। और एक चीज़ और, माइलेज की अगर मैं बात करूं तो वो कितनी है? 35 की दे देती इजीली। मुझे लगता है नहीं दे पाती, क्योंकि मैंने दो चार लोगों से नहीं दिया सर, सर्विस वो अच्छा, है मेंटेनेंस सबसे बड़ी चीज़ है कि इसका जो कंटिन्यू वो जहाँ से आप सर्विस कराते हो, कौन सा बजाज बताया आपने? ग्लोबल बजाज से कराते हो, तो भाई फिर काम तो गाड़ी का बढ़िया होना ही होना है। आप देख रहे हो कोई स्क्रैच, अभी भी इतना टाइम हो गया गाड़ी को। हाँ गाड़ी भाई फ्रेश कंडीशन में, मैं वही सोच रहा, मेरे को लगा 2017-18 मॉडल है तुम्हारी या नई वाली है। लाइट की विजिबिलिटी कैसी है? लाइट की विजिबिलिटी आगे दो दे रखे हैं, हैलोजन है। चेंज कराने का मन में आया कि एलईडी करवाऊं या नहीं? कुछ नहीं, थ्रो इसका सही लगता है, नॉर्मल सही है, बिल्कुल परफेक्ट जाता है, फैल के जाता है बिल्कुल। चलो हाँ। और कोई एक्सटर्नल लाइट भी नहीं लगा रखी? और इसी से आपने एक राइड मार दी विंटर की? मैंने अच्छा हाँ, इसके मिरर जो है ना उसमें शिकायत बहुत आ रही थी लोगों की, मैंने एक बार और ओनरशिप लिया था, स्पीड में वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होता है, आवाज करते हैं झरझर सी। हां तो फिर मैंने इसमें चेंज करवा के लाइट वाले इंडिकेटर लगवाए और बॉडी इंडिकेटर, बस नॉर्मल मॉडिफिकेशन कराई है और कुछ ज्यादा नहीं। ब्रेकिंग कैसी है, क्योंकि नॉन एबीएस है? थोड़ी बहुत तो होती है प्रॉब्लम, हाई स्पीड में लगता है थोड़ा सा बबल हो जाती है कभी कभी। अच्छा, जैसे तुम कटिंग करते हुए निकाल रहे हो तो बबल होती है। चलो कटिंग से ही याद आया, इसकी हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग भी परफेक्ट है, वो तो बनी इसलिए थी गाड़ी। हाँ, ट्रैफिक फिल्टर करना कितनी इजी हो जाता है, या लेन चेंज करना या ओवरटेक करना किसी को? हाँ नॉर्मली हो जाती है, जैसे अब की बाइक है ना सर, उससे कंपेयर करें उस टाइम से तो बहुत परफेक्ट चीज बनाई। अब की बाइकों में तो भाई है गियर चेंज, गियर उतारना पड़ेगा तब जाके आप आगे निकल से छोड़ दो ऐसी भाग जाती है, बहुत अच्छा खासा है। और एक चीज की अगर मैं और बात करूँ तो सर्विस कॉस्ट कितने की आ जाती है, क्योंकि आपने जितनी भी कराई है, एक तो फ्री वाली तो आपको याद भी नहीं होगी अब कितनी की हुई होगी, याद है? फ्री तो नहीं। चलो पेड अप सर्विस जो भी आप ग्लोबल बजाज से कराते हो वो कितने तक की हो जाती है? ये 1200-1300 रुपए की होती है बस। हाँ ये तो बड़ी सस्ती है यार। ऑयल चेंज होता है, ऑयल भी 12 ज्यादा वाला डलता है इसमें। हाँ। और क्या कहते हैं, सर्विस है, सर्विस का ऑयल फिल्टर डलता होगा। हाँ, बस नॉर्मल है, क्योंकि है नहीं इतना कुछ इस गाड़ी में। हाँ क्योंकि पुराने वाले हिसाब से ही काम चलता आ रहा है। चलो अब मन करता है, अब जैसे मन करता है कि पावर में थोड़ी कमी आई या थोड़ी कुछ भी? हाँ वो तो टाइम के हिसाब से है ही, अब गाड़ियाँ 150 वाली भी बीट कर देती हैं कुछ। अच्छा बीट करने से याद आया, टॉप स्पीड आप कितनी ले गए अपनी गाड़ी को? 145। इजीली चली गई थी या मतलब थोड़ी शिद्दतें करनी पड़ी, टक इन होना पड़ा? नहीं नहीं, बैग बांध के ले गया था मैं हाईवे पे। अच्छा अभी जब जा रहा था तो मतलब इजीली चली गई? हाँ इजी चली गई। चलो वाइब्रेशन वगैरह इस गाड़ी में कुछ नहीं? वाइब्रेशन सब मैंने क्लियर करवा रखी ग्लोबल बजाज से। मतलब ग्लोबल बजाज की तो एकदम मस्त है, अगर किसी के पास कोई गाड़ी है बजाज की तो उधर जाओ, बजाज में मत जाओ, ग्लोबल बजाज में जाओ। अच्छा ग्लोबल बजाज और बजाज अलग अलग है? हाँ कैसा? मतलब बजाज का ही है लेकिन बट अलग अलग है, दो पार्ट से हूँ। अच्छा अच्छा, कहाँ पे? दिल्ली में एक बुराड़ी है, आनंद विहार, ऐसे इनके बन रखे हैं, तो ये है बजाज का ही लेकिन उनकी सर्विस मुझे उनसे बढ़िया लगी ये। अच्छा हम तो फिर नॉर्मल बजाज पे गए थे तो इस वजह से हमें अच्छी नहीं लगी। चलो वो चीज़ है। इंजन में अभी तक कोई काम हुआ गाड़ी का? नहीं कुछ भी नहीं, एकदम रिफाइन करवाना पड़ेगा, एक दिक्कत आ गई जो पत्थर। अच्छा हाँ, ये आया क्या है बेसिकली, ये टूट गया या क्या? वो कह रहे थे यहाँ झटका लगाना पत्थर लगने से। हाँ। ये देखो यहाँ पे दरारी आ गई। हाँ तो ये झटका लगने से हिला तो इसकी पैकिंग होती है इसमें कोई फोरहेड पैकिंग, वो ढीली हो गई है बस। अच्छा वो सेट होगी। हाँ। वो भी ग्लोबल बजाज से होगी? हाँ वो भी। तो मतलब जिसने भी बजाज की गाड़ी है तो वो बाहर से काम ना करवाए। हाँ ज्यादा ग्लोबल बजाज में जाके ट्राई करे एक बार। चलो फीडबैक अच्छा निकल गया तो फिर करवाओ अपना काम। और ज्यादा मेरे को महंगा भी नहीं लग रहा, 1300 रुपए में सर्विस हो रही तो फिर तो ठीक है यार, 1300-1400 रुपए ज्यादा से ज्यादा। और पार्ट चेंज होएगा, इनका कार्ड भी बनता है ग्लोबल बजाज का, उसमें सर्विस भी फ्री कर देते हैं फिर, और ले जाना लाना वाला सीन भी है। हाँ ले जाना ले जाना, वो तो आपको बात करनी, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ से करवाओ गाड़ी पहले। अच्छा कि हमारे यहाँ से उसे रूटीन में लाओ गाड़ी। हाँ, देखो पहले एक बार। हाँ कि अगर हमारे यहाँ से पहले कहीं और से हो रही है लोकल से फिर हमारे यहाँ ले आओगे तो दिक्कत है। चलो ये चीज़ अच्छी है। और तकरीबन आपको हो गए ज़्यादा ही हो गए, 2014 मॉडल ना आपका? 13 मॉडल है, 7 और 2 नहीं वैसे लेके खड़ी कर रखी थी पहले, चला नहीं थी ज़्यादा, फिर मेरे पे आई तब से चल रही है। 70,000 किलोमीटर के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कि आप किसी को सजेस्ट करते हो, मतलब ये भाई है लाइक ये सेकंड हैंड बाइक लेना चाह रहे हैं इस बाइक को, तो आप सजेस्ट करोगे कि ये ले सकते? बिल्कुल परफेक्ट, क्योंकि ये अब इस टाइम पे सस्ती भी मिल जाएगी। हाँ। सबसे बड़ी और पावर भी दे रही है गाड़ी। हाँ। और माइलेज अगर सर्विस अच्छी है गाड़ी की, परफेक्ट कंडीशन में है तो माइलेज भी देगी। पर फीचर, फीचर्स की थोड़ी मार खाएगी लेकिन अब वो भी तो है ना। हाँ, पैसे भी पैसे भी तो देखने पड़ेंगे ना, इसीलिए भाई ये बजट फ्रेंडली बाइक बनाता है बजाज की, भाई फीचर को आप बाद में रखो, पहले अपना बजट देखो
और चीजें तो सारी मिली नहीं है फिर उस हिसाब से। नॉन एबीएस से कभी कोई प्रॉब्लम हुई लाइक गाड़ी स्किड खाई हो? बस बबल की। कभी कोई ऐसा लगाओ कि यार अब तो एबीएस होना चाहिए मेरे साथ? हाँ, लीन करते समय भी होता है कभी कभी, डर लगता है कि डर रहता है, पैनिक ब्रेकिंग कर दी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो ये चीज अच्छी है, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो आप पूरे संतुष्ट हैं इस बाइक से? संतुष्ट। अगर आप पोस्टपोन करें, अब तो ऐसा है कि अब तो गाड़ियां दिख रही हैं मार्केट में, पहले के टाइम पे जब चलाता था इसे 180 150 ड्यूक, ये बस यही सारी बाइक। ड्यूक उस समय किसी पे थी नहीं इतनी ज्यादा, लोगों पे बंदे पलट, वो उस समय भी कॉस्टली थी। हां, उस समय भी कॉस्टली थी। तो ये तो मतलब अगर आप सजेस्ट करते हो तो कर लेते हो इजीली कि हाँ कोई भी अगर लेना जा रहा है तो ले सकते हैं, इतना ज्यादा कोई खर्चा नहीं है कोई। और मतलब अगर पार्ट्स वगैरह की बात करूँ तो महंगे हैं या सस्ते हैं? पार्ट्स भी नॉर्मल ही है, ज्यादा महंगे नहीं है। नहीं नहीं, इजीली इसमें चेंज कुछ हुआ नहीं है ज्यादा। ये मरगाट चेंज हुआ था, ये भी सस्ता ही था, 300-400 रुपए का, वहीं से इजीली अवेलेबल हो जाते हैं मार्केट में। बस वो कहते हैं थोड़े जो पार्ट्स पल्सर की दूसरी गाड़ियों में नहीं लगते ना, जैसे बंद हो गई है वैसे तो, बंद हो गई है, जो पार्ट दूसरे नहीं लगते दूसरी गाड़ियों में वो अवेलेबल नहीं है। फेयरिंग है ये टूट जाएगी तो दिक्कत होती है थोड़ी ढूंढने में। हाँ ये तो फिर समझौते वाली बात है। अगर सेकंड हैंड मार्केट में मिल जाए तो मिल जाए। हाँ, मार्केट में तो सब अवेलेबल है, करोल बाग, करोल बाग जिंदा है भाई। चलो थैंक यू यश भाई अपना कीमती थॉट्स और समय देने के लिए। बाकी भाई गाड़ी आपकी बहुत अच्छी लग रही है, और भाई का चैनल का एक बार मैं नाम भी दिखा देता हूँ, यस रावत व्लॉग्स, लाइफस्टाइल वाले डेली व्लॉग बनाते हैं, जाके भाई फॉलो करो, देखो एक बार, अच्छे लगे तो सब्सक्राइब भी करो, शेयर भी करो और लाइक भी करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।